सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। औलाद भी धोखा दे जाएगी, तन्हा रह जाएंगे आप, फिर क्या करेंगे? हम अल्लाह से उम्मीद रखेंगे सुल्ताने मौसम, क्योंकि वो बंदूकें समंदर में गर्क की जाने वाली हैं, और फिर अचानक वो बंदूकें आर्मीनियों के हाथों में होंगी और तबाही मच जाएगी। खूनी सुल्तान आर्मीनियों के कत्ले आम के लिए मुसलमानों में हथियार बांट रहे हैं। इन हथियारों की तिजारत में मुलविस शख्स सुल्तान अब्दुल हमीद का फर्जंद शहजादा अब्दुल कादिर है। तुम खामोशी से इस कश्ती में एक सुराख करोगे। तुम उस सुराख को इस मोम से भर दोगे, लेकिन समंदरी पानी इसे 3-4 घंटों में पिघला देगा। उन्होंने कहा शादी देर से हो तो बेहतर है, इस तरह मकबूला और सबातीन की शादी में भी ताखिर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह आप अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगी। कमालुद्दीन, कमालुद्दीन, सारा हिदाया आ गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। तुम्हारा काम खत्म हो चुका। अगर एक अच्छे इंसान ना बने तो एक दिन इस सल्तनत को भी दफना देंगे आप। दफनाइए। गाजी उस्मान पाशा, आपने ऐसी खौफनाक आग भरी है कि लम्हे भर के लिए हमारे दिल कांप गए थे। तो और क्या करें महमूद पाशा, बहुत दुखी हैं हम। हमारे फर्जंद जलाल की कोई कब्र भी नहीं कि जाके फातिहा पढ़ सकें। उस्मानिया सल्तनत की सारी जमीन ही उसकी कब्र है पाशा। बेशक बेशक। जरा तसव्वुर करके देखें, डूबकर मरना कितना तकलीफ देह है। सबसे पहले इंसान का जिस्म समंदर की तह में उतर जाता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, और फिर तहसीन पाशा मुंह में नाक में पेट में पानी भर जाता है, और उस पर मछलियां बड़ी तकलीफ देती हैं। छोटी छोटी मछलियां इंसान को नोचती रहती हैं, बहुत अजियत होती है। आप इस तरह की बातें करके हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए पाशा। ठीक है पाशा। जलाल की मौत की वजह से हम पहले ही बहुत दुखी हैं। सही कहा। फर्जंद जलाल की हमेशा से ही शहीद होने की ख्वाहिश थी। उसने रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे बहादुर जलाल आफंदी ने सल्तनत की खातिर फराइज की अदायगी में पहाड़ सर किए, समुंदर उबूर किया। उसने दुश्मनों को कई बार शिकस्त फाश दी। उसकी बंदूक ने हमेशा दुश्मन को निशाना बनाया।
लेकिन बहुत अफसोस है मुझे, अपने आखिरी फरीजे के दौरान पानी में डूबकर मर गया और शहादत के मर्तबे से महरूम रह गया जलाल बेटा। आपको हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तान याद नहीं महमूद पाशा? सारी जिंदगी जिहाद किया और सैफुल्ला कहलाए, उनके जिस्म के हर हिस्से पर दुश्मन की तलवार का निशान था, लेकिन जब बीमार हुए तो फरमाया, मैं बिस्तर में ऊंटों की तरह मौत का इंतजार नहीं कर सकता, हक के लिए लड़ने वाले, मौत से खेलने वाले खालिद बिन वलीद शहीद थे या नहीं? शहीद थे बिल्कुल। जलाल भी अपने आबाओ अजदाद की तरह हमेशा मौत का सामना करता रहा। जलाल एक शहीद की हैसियत से जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तशरीफ रखिए। जलाल के दिल पर गोली मारकर शहीद किया गया उसे, उनकी कश्ती पर हमला किया गया। इस खबर ने मुझे बहुत हैरान कर दिया मेरे सुल्तान, क्या वाकई? उस्मान पाशा, जलाल और आपका फर्जंद कमालुद्दीन पाशा एक साथ सालार बने, वो दोस्त भी थे और भाई भी। सुल्तान मौज़म, मेरे गम की शिद्दत की यही वजह है। हादसे के दौरान फर्जंद जलाल ने कमालुद्दीन पाशा का कोट पहना हुआ था, वो कोट तैरता हुआ नजर आया तो सिपाही हमारे पास ले आए, देखकर मालूम हुआ कि गोली उसके दिल पर मारी गई। अल्लाह अल्लाह, मगर ऐसा कौन कर सकता है मेरे सुल्तान? गद्दार पाशा, गद्दार। जलाल ने बहादुरी से लड़ते हुए जान दी अपनी, दुश्मन ने गोली अभी तो जलाल को मारी है, लेकिन उनका असल हदफ हमारी रियासत है, हमारी इज्जत और मुस्तकबिल को तबाह करना है। अगर हम उन गोली चलाने वालों को ढूंढ नहीं पाए, सजा नहीं दे पाए, तो हमें उस्मानी रियासत की हुक्मरानी का कोई हक नहीं पहुंचता। मेरे सुल्तान, कश्ती में जो असलहा मौजूद था उसका क्या हुआ? असलहा तो वो ले गए, लेकिन उन्हें तलाश कर लिया जाएगा। हमारी रियासत के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं रह सकेगा इंशाल्लाह, लेकिन पाशा हजरत, पूरी तवानाई के साथ हमें वो असलहा किसी भी तरह तलाश करना ही होगा। ये आप हम पे छोड़ दें महमूद पाशा, जलाल का नेमुल बदल तैयार कर लें, यही काफी होगा। जब तक मेहनत करते रहेंगे, मिल्लत की खिदमत करते रहेंगे, जब तक सल्तनत तरक्की करती रहेगी, हम पर वार होते रहेंगे। सोचना यह है कि इस हमले की वजह क्या है। वजह रेलवे लाइन है मेरे सुल्तान। दुरुस्त फरमाया पाशा, जैसे ही हमने साबिका हुक्मरानों के कर्जों की अदायगी की, हमले शुरू हो गए हम पर। रेलवे अतियात की क्या सूरत हाल है पाशा? सुल्तान मौसम, रियासत के अरकान और आवाम दोनों ही ने इस मसले को गैरत का मसला समझ लिया है। रेलवे मंसूबे की अहमियत और जरूरत बहुत ज्यादा है, हमें इस मसले में किसी परेशानी का सामना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जा सकते हैं आप हजरात। तहसीन पाशा, आपकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। उस दिन की उम्मीद पर जिंदा हूं मेरे सुल्तान, जिस दिन हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा। सुल्तान मौज़म, सारा इदाए की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है, लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। मौत के आसार जब तक जाहिर ना हो, हर कोई निडर होता है पाशा, लेकिन जब मौत के साए सर पर मंडलाने लगे तो बड़े बड़े बहादुर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ज़हरूफ को दावत भिजवा दी आपने? जी भिजवा दी है। आफरीन।
क्या मुझे मारने आए हो यहाँ? मैं रहम की भीख मांगती हूँ तुमसे। अगर जिंदा रहना है तो या अपना मुंह खोलो या फिर मुझे मार दो। ये लो, लो। बताओ जलाल को किसने मारा? मेरे जान से प्यारे भाई जलाल को किसने मारा? किसने किया कश्ती पर हमला? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो, बताओ मुझे। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है, या तो उनका खून बहेगा या इंतकाम की खातिर जान दे दूंगा। बताओ मुझे, हमला करने वाले कौन थे? हमारे वतन से क्या चाहते हो तुम लोग? हमारे सुल्तान से, हमारे दीन से क्या चाहते हो? या बताओ या फिर मार दो मुझे। माफ कर दो मुझे, मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं मालूम मुझे इस बारे में। चलाओ गोली, चलाओ, मेरी जान भी ले लो। बेरहम कातिलो, कातिलो, मेरे भाई को छीन लिया, कत्ल कर दिया। तुम लोग खून बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। चलाओ, चलाओ, मार दो गोली। हमारे सुल्तान को दुआ दो, हमारे सुल्तान को। वो अगर मुझे ना रोकते तो तुम्हें जान से मार देता। मैं मेरे भाई को मार दिया। अगर जिंदगी चाहती हो तो कोई मुफीद मालूमात देनी होगी, वरना तुम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर कब्र में उतर जाओगी। और हां, एक बात याद रखना, यूं खून बहाकर कामयाबी नहीं मिलती। बंद कर दो दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म कहवा बनाकर लाया हूँ। क्या उस नजिस जानवर के बारे में कुछ मालूम हुआ? हाँ बिल्कुल फरमान भाई, वो नजिस जानवर हिरम ने वहां से खरीदे थे। जानवरों को पालने वाले ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया होगा। उस हिरम ने मेरी माँ को मारा है, कसम खाता हूँ मैं, इस जुल्म का हिसाब मैं उससे जरूर लूंगा। अल्लाह से ये दुआ है मेरी, वो मुझे जुल्म के खात्मे का जरिया मुकरर फरमाए। नजिस जानवरों का पता करो, गैर मुस्लिम कस्बों से मालूमात लो, इतनी तादाद में किसने ज़िबा की है। सुल्तान मौसम, आपके सिपाहियों की शहादत पर ताजियत पेश करता हूं। अगर आपने उन गर्क शुदा हथियारों की वजह से मुझे यहां बुलाया है तो वो इतने आम नहीं। एक उस्मानी सिपाही मेरे तमाम हथियारों से ज्यादा कीमती है। आपका असलहा गरकाब नहीं हुआ ज़ारूफ अफंदी। मेरे सुल्तान, मेरे साथियों ने तस्दीक की है कि कश्ती डूब गई थी। हमारे सिपाही शहीद तो हुए लेकिन वो डूबे नहीं, उन्हें गोलियां मारी गईं। कश्ती डूब गई लेकिन असलहा नहीं डूबा। कश्ती तो डूब गई लेकिन असलहा नहीं डूबा, ये कैसे मुमकिन है सुल्तान मुअज्जम? कश्ती पर हमला एक मंसूबा था, साजिश का हिस्सा था। हकीकत यह है कि असलहा लूटा गया है, अब उसे तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है, यह हुक्म है हमारा। ये तो बहुत मुश्किल है सुल्तान मौसम, मैं वो असलहा कहाँ तलाश करूंगा? आप असलहे का सुराग लगा सकते हैं ज़ारूफ अफंदी, क्योंकि असलहा आपका है, अगर एक गोली भी इस्तेमाल हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तलाश करें उसे, वरना बोही रहे अरब से आने वाला आपका असलहा भी डूब जाएगा। हमने अपनी तोपों का दहाना आपके जहाज की तरफ कर दिया है।
फिक्र ना करें सुल्ताने मौसम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिक्र हमें नहीं, आपको होनी चाहिए। इससे पहले कि हम गजब में आए और आपका नुकसान हो जाए, असलहा मिल जाना चाहिए। इन हथियारों को हासिल करने के लिए हमें बहुत जतन करने पड़े। इनके चलने से पहले ही बहुत जाने जा चुकी है। जलाल हमारे बेटे जैसा था, बहुत लायक अफसर था वो। ठीक कहा आपने, फलस्तीन में उसके कारनामे पता चले। उसने बारबरोस के परचम तले यहूदियों को नसीहतें की थी। आज वो उस समंदर की तह में है जहां कभी बारबरोस की हुकूमत हुआ करती थी। महमूद पाशा, एक यहूदी को सबसे ज्यादा खौफ किसका होता है? चले आप ही बता दें। उस्मानियों का। मगर यहूदी क्या इस सल्तनत में सदियों से सुकून की जिंदगी नहीं गुजार रहे? असल मसला यही तो है, उस्मानी सल्तनत में आदलाना निजाम हुकूमत है, इसीलिए यहूदी सुकून से रहते हैं और आजाद होकर तिजारत करते हैं। उन्हें कभी अपनी रियासत कायम करने की जरूरत पेश नहीं आई। यानी आप खुद ही यहूदियों का सुकून बर्बाद करेंगे? मैं यहूदी रियासत बनाने में कामयाब ना भी हुआ तो मेरे बाद आने वाले कामयाब हो जाएंगे और उनके पीछे इन्हीं यहूदियों का खून होगा। बादशाह, मेरे नजरियात मंसूबे और यहूदी भाइयों का खून उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐ मेरे इसराइल। क्या बात है बादशाह, वाह 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 वाह। मेरे उरूज के दौर में अगर ये बंदूक मुझे मिल जाती तो एक भी गोली हिरम के हाथों से जाया नहीं होती। पाशा, हमने अपना काम कर दिया। हिरम, तुमने क्या किया? तैयारी मुकम्मल है पाशा। बहार का मौसम है, आर्मीनी तुलबा इस मौसम में सैर के लिए जाते हैं। मैंने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया है। बम बच्चों के जरिए बैंक के पास ले जाने का मंसूबा किसने बनाया है, जान सकता हूँ? और किसका हो सकता है? उस बम को अब्दुल हमीद के जासूसों की नजरों से बचाकर बैंक तक पहुँचाना इतना आसान नहीं है। आर्मीनियों का स्कूल बैंक के नजदीक है। जब तुलबा वापस जाएंगे तो हर बच्चे के लिए एक तोहफा मौजूद होगा और अगले दिन जब उनकी पढ़ाई शुरू होगी तो बम स्कूल में पहुंच चुके होंगे। मेरा मंसूबा कैसा लगा पाशा? सच बात तो यह है कि मंसूबा बुरा नहीं। जब मगवी बच्चों के वालदेन सड़कों पर आएंगे तो वहां पर काफी हंगामा खड़ा हो जाएगा। कयामत बर्पा ना हो जाए कहीं। नाइमे, हमारी प्यारी शहजादी, सुल्ताने मासम, कैसी तबीयत है नूरे नजर की? डॉक्टर अभी मुआयना करके गए हैं, इलाज जारी है। वक्त पर दवा लेती रहेंगी तो जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, याद है कमसिनी में भी इसी तरह अलील हुई थी हमारी दुख्तर। अपने नन्हे हाथों से हमारा हाथ थाम कर कहा था बाबा ना जाएं। हमें याद है बिल्कुल। नन्हे हाथ बड़े हो गए, दुख्तर बड़ी हो गई, अब इनका मिजाज पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अच्छे वालदेन बनना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सच कहा आपने सुल्तान। हमें एक और बेफिक्र है मलिका, हमारी ख्वाहिश है कि जल्द ही नायमे की शादी कर दी जाए। अच्छा ख्याल है। हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि उसकी दुख्तर हमेशा खुश रहे, उसका शरीक सफर हमेशा उसके लिए वफादार साबित हो। जब ये होश में आ जाएं तो इनसे इस बात का जिक्र कीजिएगा।
السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. آپ کچھ بتائے بغیر یہاں آ گئے. اگر بتا بھی دیتا تو کیا ہو جاتا. چھوڑو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. میرے دل و جان میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہے بابا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا مجھے. میری روح امی کی قبر کے پاس ہی رہتی ہے. جب تک ان کے قاتل کو مار نہ دوں میں وہ واپس نہیں آئے گی. دیکھو میرے بیٹے انتقام حق ہے لیکن حق ماننے والوں کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بار جنگ کے میدان میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے. جب وہ اپنی تلوار دشمن کے سینے میں اتارنے ہی والے تھے تو اس وقت دشمن نے حضرت علی کے چہرے مبارک پر لعاب دہن پھینک دیا. حضرت علی نے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ تم آزاد ہو. وہ آدمی حیران ہو گیا اور حیرت سے پوچھا چند لمحے قبل آپ مجھے قتل کرنے والے تھے تو آپ رک کیوں گئے؟ علی المرتضی نے فرمایا میں اللہ کی خاطر تم سے لڑ رہا تھا اور اسی کی رضا کی خاطر قتل کر رہا تھا لیکن تم نے میرے چہرے کو آلودہ کر دیا. مجھے تم پر غصہ آ گیا. اب اگر میں نے تمہیں قتل کر دیا تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ یہ قتل میری نفس کی خوشنودی کے لیے ہوگا. میں نے تمہیں اسی وجہ سے آزاد کیا ہے. السلام علیکم عاصم استاد. وعلیکم السلام بیٹا. کوئی معلومات ملی تمہیں؟ ہاں میرے بھائی ہاں کچھ قصبوں میں معلومات کی تھی میں نے. کیا بتایا؟ وہ ہرم آرمینی بچوں کو کھانے کا لالچ دے کر ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا. کیا جگہ کا پوچھا تم؟ ہاں ہاں جگہ کا بھی پوچھا. چلو آج وہ خبیث نہیں بچ پائے گا ہم سے. کیا بات ہے بیٹی آپ نے ہمیں یاد کیا؟ نہیں پپی جان ہم نے تو یاد نہیں کیا. ہم نے بلایا ہے فہیمے. ہمیں پپی جان سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے ہم ویسے بھی چہل قدمی کے لیے جا رہے تھے. آپ لوگ آرام سے بات کیجیے. تشریف رکھیے. خیریت تو ہے خدیجہ؟ فہیمے کو ایسے کیوں باہر بھیج دیا؟ بات کیا ہے؟ خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ جو کہنا ہے کہیے ہم سن رہے ہیں. بیدار سلطان کو ہمارے اور کمال الدین کے بارے میں سب معلوم ہے. سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں. یہ کیسے ممکن ہے بیٹی؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ فہیمے پھوپی جان وہ ہر بات بیدار سلطان کو بتاتی ہے. فہیمے اس کا مطلب اس خط کے بارے میں بھی فہیمے نہیں بتایا ہوگا بیدار سلطان کو. بالکل ہو سکتا ہے. ہائے اللہ کیونکہ کمال الدین کے بارے میں صرف آپ اور فہیمے ہی جانتی ہیں. دراصل وہ بیدار سلطان کی قربت کو اپنے لیے مفید سمجھتی ہیں. سوچا بھی کیسے یہ انہوں نے کہ وہ ان پر اعتماد کر سکتی ہیں. سب کچھ تو جانتی ہیں. ہماری بے وقوف بیٹی. آہ فہیمے آہ. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے پھوپی جان. بیدار سلطان جانتی ہیں کہ آپ نے ہماری شادی کی ذمہ داری محض اس لیے اٹھائی ہے تاکہ آپ سباحت الدین اور مقبولے کی شادی ملتوی کر سکیں ورنہ آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی. یہ کیسے معلوم؟
क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? नहीं तो कुछ नहीं कहा। बेहतर है कि आप इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। एक बार सोच लीजिए। ठीक है बेटी, जैसे आपकी मर्जी। अब आप मकबूले का क्या करेंगी फूफी जान? आप इसकी फिक्र मत कीजिए, हर हाल निकाल लेंगी आपकी फूफी जान। लेकिन पहले आपकी इस बहन फहीमे और बेदार खातून को सबक जरूर सिखाएंगे। जानती है ना, साजिशी इंसान बिछाए जाल में खुद ही फंसता है। खदीजा, देखें जरा उस खबीस को, कितना सखी बन रहा है। एक दफा हमने इसे पादरी के भेस में लुटते हुए देखा था। आर्मीनी गुंडों से हमने ही बचाया था इसे। मेरे भाई, कब तक यूं देखते रहेंगे? हमला कब करना है बताओ। एक पीछे से घूम कर आए और दूसरा यहां आदमियों को संभाले। हिरम को मेरे लिए छोड़ देना। एक बार इस खबीस के सर पर पिस्तौल रख दी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलो फिर, जल्दी करो। बिल्कुल नई है। आला जनाब ज़ाहरोव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। जनाब हर्जल, मेरा ख्याल है कि यह आप ही ले लें, क्योंकि यह आदमी मुझे पागल लगता है। इसका कोई एतबार नहीं। अगर इसने मुझे मार दिया तो एक उस्मानी पाशा की लाश पर से ये मिलना मुनासिब नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका? इसने 3 आदमी मार दिए हैं, उम्मीद है कि ये पुरसुकून हो गया होगा। जनाब ज़ाहरोव, लाशों की बदबू बहुत ज्यादा होती है ना? जो मक्कार कौवे जिंदा होते हैं वो लाशों से ज्यादा बदबूदार होते हैं। अगर ये मेरा असलहा चोरी करने की कोशिश ना करते तो अब तक जिंदा होते। आपका असलहा डूबा नहीं जनाब ज़ाहरोव। वैसे भी जनाब ज़ाहरोव, आपके असलहे की जानिब जो भी आंख उठेगी मैं वो आंख निकाल दूंगा। आपकी इसी सखावत ने आप पर से मुसीबत को टाल दिया है पाशा। असलहा उठा लो। ये असलहा हमें जनाब पारवुस ने भेजा था। मेरा असलहा है ये। जनाब पारवुस ने मुझसे दरखास्त की और उन्हें असलहा दे दिया मैंने। आपकी बात ठीक है, मगर ये सूरत हाल देखकर जनाब पारवुस हरगिज खुश नहीं होंगे। जनाब पारवुस के गम और खुशी से हमें कोई सरोकार नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने मेरी गर्दन दबोच ली है। मेरी सूरत हाल निहायत खतरनाक है और कोई मेरा हाथ पकड़े ये मुझे पसंद नहीं। गोलियां चला देता हूं। अगर मैंने असलहा नहीं दिया तो सुल्तान अब्दुल हमीद मेरा हथियारों से भरा जहाज दबो देगा। सुल्तान असलहा लेना चाहता है तो असलहा लेता है। ये लो बेटा, तुम भी लो। आपकी आंख को क्या हुआ है? क्या तुम देखोगे? रुको जरा। तुम्हें मैं बहुत सारा गोश्त दूंगा।
हम पादरियों के पीछे भी एक आंख होती है उमर। कुछ नहीं देख पाओगे जब गोली लगेगी। अगर पीछे नहीं हटे तो मैं इस बच्चे का गला काट दूंगा, समझे? जो करना है करो, मैं तुमसे इंतकाम जरूर लूंगा। तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा मैं। तुम अपनी माँ का इंतकाम कभी नहीं ले सकते मुझसे। खबीस इंसान, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। सुल्तान कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा करें उमर भाई। हैदर कर्रार हजरत अली की बहादुरी का राज दरियाफ्त करें, उसके बाद महल आए। अगर मैंने तुम्हें कत्ल कर दिया तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं, बल्कि ये कत्ल मेरी नफ्स की खुशनूदी के लिए होगा। साथियों, अगर तुमने इंतकाम लिया तो कोई बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। वक्त आएगा तो तुम्हारी जान में दीन की खातिर लूंगा, अपने नफ्स की खातिर नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो। अगर अपने दोस्त की जिंदगी चाहते हो तो सब बच्चे मेरे पीछे आ जाओ। चलो वरना इसे मार दूंगा। शाबाश बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे पीछे मत आना समझे, वरना सब बच्चों को मार दूंगा। बहुत शातिर हैं आप ज़ाहरूफ अफंदी। असलहा अगर आपको वापस ना करना होता तो यही समझते हम कि चोरी आपने किया है। मेरे सुल्तान, जिसने मेहमान नवाजी की, दुनिया के उस बेहतरीन बादशाह और सियासतदान का हुक्म ना मानना जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत होगी। ये बताइए, असलहा कहाँ है? इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने इसका एक मुस्तकिल हल निकाला है, ताकि ये दोबारा हमारे ताल्लुकात के दरमियान हायल ना हो। इस वक्त महकमाए पुलिस के एक अफसर को दफ्तर से बाहर बुला लिया गया होगा। हथियारों की परेशानी खत्म हो गई होगी अब तक। गद्दारों को सजा दे दी गई है मेरे सुल्तान, आपकी खातिर। किस कानून के तहत सजा दी है आपने उन्हें? हुजूर, मैंने मालूमात लेने की कोशिश की लेकिन वो बताने पर रजामंद न थे। अदालत, ज़ाहरूफ अफंदी, किसे क्या सजा मिलनी चाहिए वो फैसला अदालत करती है। मेरे सुल्तान, वो तो खून के प्यासे कातिल थे। मैं मुगला में पला बढ़ा हूँ, शरई अहकाम से वाकिफ हूँ। असलहा चोरी करते वक्त आपके सिपाहियों को मारने की सजा किसास है। माफ कीजिएगा, मैंने इसी हुकुम पर अमल किया है। शरई हुकुम तो आप जानते हैं, लेकिन ये इल्म अधूरा है आपका। अगर सजा देनी मकसूद हो तो किसास का हक रखने वालों की रजामंदी के बाद सजा दी जाती है। सुल्ताने मुअज्जम, मेरा जहाज। बेफिक्र हो जाइए ज़ाहरूफ अफंदी, लेकिन आइंदा मोहतात रहिएगा। अगली बार इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे हम। एक बात बताऊं तुम्हें सबात्तीन, हम दोनों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया है बहुत।
ठीक कह रहे हैं आप, मुश्किल हो गया है। अखबार छोड़िए, हमारे पास आपके लिए खबर है। मेरी सुल्ताना, मेरी नजर में तो आप ही हमेशा किसी हादसे से ज्यादा अहम खबर होती है सनीहा। मैं सिर्फ आपको जानता हूँ बस, और किसी को नहीं। मेहरबानी करके बेकार बातें बंद कीजिए, हमने कहा आपके लिए खबर है। हमारी भतीजी खदीजा ने शादी से इनकार कर दिया है। ऐसा मत कहें। साबिक सुल्तान मौजम मुराद की प्यारी बेटी खदीजा ने शादी से इनकार कर दिया है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है वालिदा? सबाहतीन, देखिए बेटा, हमारी सारी मेहनत और फिक्र आपके लिए है। अगर खदीजा की शादी के साथ साथ आपकी शादी तय हो जाती तो कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो जाती, और मुमकिन था कि वक्त के साथ ये मामला रफा दफा हो जाता। अपने जहन पर इतना जोर मत डालें वालिदा, मैं इस मसले से जान छुड़ाने का तरीका बताता हूँ आपको। क्या है वो तरीका बेटा? अब्दुल कादिर, वो शहजादा जिससे मुस्तकबिल में खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, मेज पे जोर से हाथ मारकर इनकार कर दिया उसने। इसीलिए वो मुझे अच्छा लगता है बहुत। बस करें महमूद। ठीक है भाई, ठीक है। वो मंगनी तोड़ रहा है। अब्दुल कादिर पाकीजा के साथ, ये उनके लिए इतना आसान नहीं है। आसान नहीं लेकिन मुमकिन है। मुझे जबरदस्ती की शादी से बचा लें जो आपने मुसल्लत की है मुझ पर, वरना मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जान कैसे छुड़ानी है। चलिए बताइए महमूद पाशा, आपके पास क्या हाल है इस मसले का? सनीहा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। उस मोटी का मसला हल करना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी सबाहतीन की शादी उससे तय करनी नहीं चाहिए थी आपको। ये आपकी गलती है। ये काम खुशी से नहीं किया महमूद, ये सब आपकी वजह से किया है। मुझे माजी याद दिलाने पर मजबूर मत कीजिए। सनीहा, आपकी मोटी मोटी आंखें देखकर मुझे ये ख्याल आया है। मेरी बात सुने तो सही। सुने, वो जो है ना बिदार सुल्तान, सबाहतीन की शादी जल्दी करवाने के लिए दबाव डाल रही हैं आप पर। दबाव एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, वो हर जानिब से निशाना बना रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप अब शहजादा अब्दुल कादिर और पाकीजा की शादी के मामले में नया महाज खोल लें। कितने शर्म की बात है, कोई शहजादा ऐसे मंगनी तोड़ सकता है? किसी लड़की के जज्बात से ऐसे कैसे खेल सकता है भला? अफसोस की बात है। वाकई अफसोस की बात है महमूद, वाकई। अब बिदार को हमारे मामले में उलझने के बजाय अपने बेटे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, है ना? बहुत बेहतरीन मशवरा है ये। आओ बेटी आओ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी सेहतमंद बेटी। आप भी बैठ जाइए हमारे साथ, सबाहतीन कहीं चले गए हैं, उनकी चाय आप पी लीजिए। मैं भी चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं महमूद? काम है सनीहा, रियासती उमूर। अल्लाह हाफिज। बैठ जाइए बेटी, खड़ी क्यों है? सुल्तान मौसम, सिपाही उस्मान आया है उमर अफंदी की मालूमात लेकर। भेज दीजिए उसे। आओ उस्मान। कहो फरजंद, क्या खबर है? सुल्तान मौजम, हमने हिरम को घेर लिया था। वो बदबख्त आर्मेनी बच्चों में खाना तकसीम कर रहा था, सखी बना हुआ था। उमर भाई ने मौका मिलते ही उसके सर पर पिस्तौल तान ली। आगे बताओ। वो गोली नहीं चला सके क्योंकि उस बदबख्त ने एक बच्चे के गले पे छुरी रख दी थी। उमर भाई को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। उन बच्चों के मामले की तहकीकात करें तहसीन पाशा। जी बेहतर मेरे सुल्तान। उमर अफंदी ने अगर गोली नहीं चलाई है तो फिर हजरत अली मुर्तजा की शुजात का राज उस पर खुल गया। वो आग में चल रहा है, जल्द कुंदन बन जाएगा। जाओ जाकर उमर अफंदी से कहो, या अफंदी के बाग में जाकर निशान ज़दा दरख्त के नीचे खुदाई करे और जो चीज मिले लेकर आए हमारे पास। जैसा आपका हुक्म सुल्ताने मौज़म। असलहा हाथ से चला गया। अब नया असलहा कहां से मिल सकता है? नहीं मालूम, लेकिन लगता है आर्मेनियों का भरोसा भी खो दूंगा मैं। यहूदियों का भरोसा तो पहले ही खो चुके थे जनाब हर्जल, अब ये भी गए। खामोश हो जाए पाशा, व्याना भी नहीं जा सकता अब मैं। अगर वो जान गए कि मैं यहूदियों का सरमाया अब्दुल हमीद के हाथों स्टॉक मार्केट में हार गया हूं तो बहुत बुरा होगा। सिहूनियों के नए और अजीम रहनुमा थियोडोर हर्जल
जिनके पास अब वियाना में कोई दुकान खोलने का भी ना सरमाया बचा है और ना ही किसी का एतबार। ये कोई लतीफा नहीं है जनाब हजर। लतीफों और मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। मेरे दोस्त इमैनुअल करासो, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इमैनुअल करासो, महमूद पाशा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई पाशा। तुम्हारे चेहरे के तासुरात देखकर लग रहा है कि तुम्हारे और सारा के ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं। हाँ वाकई, सारा खानम को तो भूल ही गए हम। सारा खानम कहाँ है? वो सुल्तान अब्दुल हमीद के पास है। वो सुल्तान अब्दुल हमीद के पास है? आपकी समझदारी और जहानत की तो कोई हद ही नहीं है जनाब का रसो। सेहत के मामले में अकल का सवाल नहीं पाशा। सारा को जहर दिया गया था और वो मरने वाली थी। उसका इलाज सिर्फ महल में ही मुमकिन था, इसलिए उसे वहीं ले गया मैं, मजबूरी की वजह से। ये आपने क्या किया जनाब कारासो? वाकई तुम्हारी अकल की कोई हद नहीं कारासो, इसलिए मेरे ख्यालात तुमसे नहीं मिलते। सारा खानम हम सबको आग में झोंक देंगी। वो ऐसा क्यों करेंगे महमूद पाशा? क्योंकि जनाब हर्जल, सुल्तान अब्दुल हमीद रियासत से गद्दारी करने वालों को पानी तक नहीं पिलाता कभी। सारा खानम बहुत जल्द सेहतमंद तो हो जाएंगी, लेकिन हमारे खिलाफ बयान देकर, और हम सब मारे जाएंगे। महमूद पाशा, जिस तरह सबको अपनी जानों की परवाह है, उसी तरह सारा को भी पहले अपने बारे में ही सोचना होगा। आप लोगों को बचाने के लिए वो खुद को तो आग में नहीं झोंक सकती। जनाब हर्षल, मेरे ख्याल में हमें सारा खानम पर पूरी तवज्जो रखनी चाहिए थी। ऐसा करता हूँ, फौरन महल जाता हूँ और अब्दुल हमीद के कानों में कोई ना कोई बात डालता हूं मैं, इससे पहले कि सारा खानम कुछ बताए। बिल्कुल ठीक पाशा। अल्लाह हाफिज दोस्तों। मैं बेकसूर हूं, सुल्तान से कहो मैं सब कुछ बताऊंगी, बस मैं मरना नहीं चाहती। वो सारा खानम बुलबुल की तरह बोल पड़ी, अगर तो यूरोप जाने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा मेरे पास। अब्दुल हमीद, आप लोगों के समेत बैंक को ही बम से उड़ा देता। आपने सही कहा सनेहा सुल्तान, वैसे भी शादी में ताखिर की कोई वजह नहीं तो इंतजार किस बात का। अंग्रेजों की जानिब से आए तख्त के लिए एक शख्स का इंतखाब किया। किसका इंतखाब?